हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कल्याण और आज हम लोग बात करेंगे शिप्स कंस्ट्रक्शन, स्पेसिफिकली फ्रेम्स के ऊपर। ओके, सो फ्रेम्स के ऊपर में जो सर्वेयर जो जो सवाल पूछता है, मैं वो सारे को जॉट डाउन किया हूँ और आज आपके साथ वही सब शेयर करूँगा। ओके, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लोग पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फ्रेम्स। ये आपको मैं 5 पॉइंट में बहुत अच्छे से समझाने का ट्राई करता हूँ, देखिए आपको समझ में आता है कि नहीं। ओके, द साइड सेल इज सपोर्टेड बाई फ्रेम विच रन वर्टिकली फ्रॉम द टैंक मार्जिन टू द अपर डेक। साइड सेल आपको मालूम है क्या है, अगर नहीं मालूम है तो देख लीजिए, दिस इज कॉल्ड साइड सेल। ओके, नाउ साइड सेल एक्चुअली सेवरल स्ट्रेक्स से बना होता है, जैसे ये आपका एक साइड सेल या फिर हल पोर्शन हो गया। आपको मालूम होगा कि ये बहुत सारा स्ट्रेक्स, मतलब ये एक स्ट्रेक्स हो गया, ये एक ऐसा बहुत सारा स्ट्रेक्स से बना हुआ है, ठीक है, ये पूरा एक एक्चुअली साइड सेल है। ये साइड सेल के बाजू से जो चीज़ निकलता है, जो स्ट्रक्चरल मेंबर निकलता है, लंबा वाला आप देखे होंगे जहाज पे, दीज आर कॉल्ड फ्रेम्स। ओके, आपको समझ में आ गया होगा कि नाउ व्हाट इज फ्रेम। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, दीज आर यूजली ऑफ एंगल सेक्शन व्हिच आर स्पेस्ड अबाउट 760 mm अपार्ट इन द फॉर्म ऑफ बल्ब एंगल। आपको ये बाल्ब एंगल या फिर ये जो एंगल सेक्शन थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, मैं आपको इजीली समझाने का ट्राई करता हूँ व्हाट इज़ बाल्ब एंगल और एंगल सेक्शन। नाउ व्हाट इज़ बाल्ब एंगल, जो फ्रेम्स है एक्चुअली वो कुछ इस तरीके का, अगर वो फ्रेम्स का शेप ऐसा होगा, ठीक है, तो उसको बाल्ब एंगल कहता है, दीज आर कॉल्ड बाल्ब एंगल्स फ्रेम्स। ओके, अभी ये अगर इस फ्रेम का अगर साइज ऐसा होगा, ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड टी सेक्शन फ्रेम। ओके, ये एक्चुअली ये हो गया टी सेक्शन। ये एक्चुअली शेप का ऊपर डिपेंड होके और कैसा आपका जहाज बन रहा है, जो आर्किटेक्चर है उसको कौन सा यूज करेगा, उसके ऊपर आपका नाम होता है और या फिर यूज होता है, ठीक है। तो ये 760 mm अपार्ट, ये एक मतलब आप कह सकते कि एवरेज एक मेजरमेंट है जो मैक्सिमम 760 mm अपार्ट तक ही रहता है, ठीक है। नाउ The length of the frame are usually broken at decks, allowing smaller section to be used in the twin deck spaces. Length of the frame broken at decks, broken at decks. इसका मतलब क्या है? देखिए, ये एक फ्रेम हो गया, अभी मैंने बोला साइड सेल को सपोर्ट करता है। अभी देखिए ये सब इधर ना ब्रोकन है, मतलब इधर जैसा कि ये देखिए ये कंटिन्यूअस है, इधर कुछ आपको गैप नहीं दिख रहा है, लेकिन इधर देखिए एक गैप है, इधर एक गैप है, क्योंकि इधर से आपका ट्विन डेक जा रहा है, ठीक है। तो ट्विन डेक जाने के लिए ये कंटिन्यूअस नहीं हो सकता, उसके लिए ट्विन फ्रेम मतलब ट्विन डेक का साइड सेल जिसको सपोर्ट करता है वो अलग से फिट किया जाता है, तो वो हो गया ट्विन डेक। सो इसीलिए इसको कहता है ब्रोकन एट द अपर डेक फॉर अलाउिंग ट्विन डेक्स। ओके, ये पॉइंट भी आपको याद आ गया होगा या फिर समझ में आ गया होगा। द होल्ड फ्रेम आर ऑफ लार्जर सेक्शन दैट इज 300 mm बाल्ब एंगल और प्लेट। मतलब ये आपका ट्विन फ्रेम हो गया, अभी होल्ड फ्रेम मतलब ये जो मेन होल्ड है आपका, उसका फ्रेम देखिए ट्विन डेक फ्रेम से थोड़ा ज़्यादा मतलब विड्थ भी इसका ज़्यादा है और लंबाई तो होगा ही। तो दीज आर होल्ड फ्रेम ऑफ लार्जर सेक्शन दैट इज 300 mm बाल्ब एंगल और प्लेट। ओके, बाल्ब एंगल मैंने अभी बोला, बाल्ब एंगल अगर ऐसा फ्रेम होगा तो दैट इज कॉल्ड बाल्ब एंगल। ओके, दे आर कनेक्टेड एट द टैंक मार्जिन बाय टू फ्लैंज्ड टैंक साइड ब्रैकेट। टैंक मार्जिन आपको मालूम है नीचे वाला पोर्शन ऑफ द शिप। नाउ दिस एक्चुअली आप अगर ये देखेंगे, देखिए ये फ्रेम ब्रैकेट दिया हुआ, ब्रैकेट एक्चुअली क्या है, एक ट्राइंगुलर प्लेट है, कोई भी दो चीज़ को जो मतलब इसको आप क्या कह सकते हैं, इसके साथ इसको ऐड करने के लिए एक ट्राइंगुलर प्लेट होता है जिसको हम लोग ब्रैकेट कहते हैं। तो फ्रेम्स को टैंक मार्जिन से जुड़ने के लिए उसी जो फ्रेम ब्रैकेट यूज करता है उसको आप फ्लैंज ब्रैकेट भी यूज बोल सकते हैं या फिर फ्रेम ब्रैकेट भी कह सकते हैं, ठीक है। नाउ ब्रैकेट क्या है, एक्चुअली ट्राइंगुलर प्लेट यूज टू जॉइन टू पार्ट ऑफ एनी कंस्ट्रक्शन दैट इज कॉल्ड ब्रैकेट। इस पे फ्रेम्स के साथ टैंक मार्जिन को जोड़ रहा है तो उसको कहते हैं फ्रेम फ्लैंज ब्रैकेट या फिर फ्रेम ब्रैकेट। ओके, ये आपको फ्रेम्स क्या है और इसका कंस्ट्रक्शन अभी इजीली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइप ऑफ फ्रेम्स, मेनली थ्री टाइप्स, ठीक है। अगर आपको पूछा कितना टाइप का फ्रेम्स है, उसमें आप मेनली थ्री टाइप्स, लॉन्गिट्यूडिनल, ट्रांसवर्स, मिक्स्ड, दैट इज लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स, बोथ एक लेके होता है, दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड। ओके,
आप बस यही बोल दीजिए, आपको एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं। अगर वो पूछेगा क्या लॉन्गिट्यूडिनल है, तब मैं जो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ नेक्स्ट, आप उस पर जाइए। नाउ व्हाट इज लॉन्गिट्यूडिनल फ्रेमिंग और स्टीफनिंग। अगर आपको एक चीज़ याद रखिए, स्टीफनिंग और फ्रेमिंग दोनों पूछा तो आप एक ही आंसर, अगर आपको लगा कि व्हाट इज लॉन्गिट्यूडिनल स्टीफनिंग तो भी आप ये आंसर दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि स्टीफनिंग एक्चुअली क्या है, स्टीफनिंग क्या है देख लीजिए, स्टीफनर एनीथिंग दैट इज यूज ओनली टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द शिप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टीफनर्स, ठीक है। कोई भी चीज़ जो जहाज को स्ट्रेंथ देने वाला है उसको हम लोग स्टीफनर कह सकते हैं। तो फ्रेम्स हम लोगों का जहाज को साइड सेल को सपोर्ट कर रहा है या फिर उसको स्ट्रेंथ दे रहा है, उसको हम लोग स्टीफनर कह सकते हैं। मतलब फ्रेम्स इज एक्चुअली अ स्टीफनर, ओके, टाइप ऑफ स्टीफनर यू कैन से, ठीक है। दोज आर यूज इन लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन नेम्स एज लॉन्गिट्यूडिनल स्टीफनर, दोज आर यूज इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन नेम्ड एज ट्रांसवर्स स्टीफनर्स। अभी स्टीफनर्स के जगह फ्रेम डाल दीजिए तो लॉन्गिट्यूडिनल फ्रेम हो जाएगा, ट्रांसवर्स भी डाल सकते हैं, फ्रेम हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रेम्स या स्टीफनर हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू व्हाट इज लॉन्गिट्यूडिनल फ्रेमिंग और स्टीफनिंग, ठीक है। नाउ रन लॉन्गिट्यूडिनल दैट इज अलोंग द लेंथ ऑफ द शिप, ठीक है। ये आपको फोटो में दिखाता हूँ मैं नेक्स्ट टाइम, बाकी तो आपको लाइन इजीली समझ में आ गया होगा। इज यूजली ऑल सी गोइंग शिप ऑफ मोर देन 70 मीटर इन लेंथ। नाउ देखिए लॉन्गिट्यूडिनल होगा मोर देन, ये जो 70 मीटर है ये मैं कहीं कहीं पे मुझे मिला कि 120 मीटर, कहीं मैक्सिमम जगह पे मुझे मिला 70 मीटर और 65 मीटर, तो मैंने 70 को लिया आपको बोलने के लिए, ठीक है। नाउ ट्रांसवर्स वेव्स आर फिटेड टू सपोर्ट द साइड लॉन्गिट्यूडिनल्स, दीज बींग स्पेस्ड नॉट मोर देन 3.8 मीटर अपार्ट इन शिप्स ऑफ 100 मीटर लेंथ और लेस, ठीक है। ये आपको एक मेजरमेंट आप याद रख सकते हैं फॉर लॉन्गिट्यूडिनल फ्रेमिंग और स्टीफनिंग, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव्स, वेव्स भी एक कनेक्ट मतलब दो कंस्ट्रक्शन को जोड़ने के लिए, एक्चुअली वेव्स वेव या फिर वेव फ्रेम की फ्रेम भी कह सकते हैं आप उसको, मैं बाद में आऊँगा व्हाट इज वेव और वेव फ्रेम्स, तो आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल फ्रेमिंग दैट इज द कंटिन्यूटी ऑफ स्ट्रेंथ इज मेंटेन्ड, ठीक है। ये आपका यूज हो गया, अगर आप मतलब पॉइंट वाइज डिवाइड करेंगे तो दिस इज द यूज एंड दोज आर एक्चुअली द डेफिनेशंस ऑफ द डेफिनेशंस और द स्ट्रक्चरल पॉइंट्स ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल स्टीफनिंग और फ्रेमिंग, ओके। अभी फोटो देख लीजिए, ठीक है, दिस इज लॉन्गिट्यूडिनल फ्रेमिंग, ओके। ये बाद में मैं ट्रांसफर सभी डिस्कस करूंगा आपके साथ, तो ये बाद में आता हूँ, पहले लॉन्गिट्यूडिनल फ्रेमिंग को देखिए। देखिए दोज आर द ब्लैक पोर्शन, दोज आर द लॉन्गिट्यूडिनल फ्रेमिंग, देखिए आप इधर देखिए लॉन्गिट्यूडिनल अक्रॉस द लेंथ ऑफ द शिप, ये इधर से इधर जा रहा है, सो मीन्स दीज आर द लॉन्गिट्यूडिनल फ्रेमिंग्स, ठीक है। बाकी जो मैं पॉइंट आपको बोला आपको समझ में आ गया होगा, दोज आर द लॉन्गिट्यूडिनल फ्रेमिंग्स, एक्चुअली आपको ये देखना है, ओके। कुछ नहीं, बस आपका जहाज का, सपोज आपका जहाज ये है, लेंथ वाइज जो जा रहा है वही है आपका लॉन्गिट्यूडिनल फ्रेमिंग और लॉन्गिट्यूडिनल स्टीफनर्स, ठीक है। अभी आते हैं ट्रांसवर्स फ्रेमिंग में। ट्रांसवर्स फ्रेमिंग या फिर सेम स्टीफनिंग मे बी फाउंड इन द शिप ऑफ लेस देन 70 मीटर इन लेंथ, 70 के जगह 120 भी मुझे मिला बहुत जगह, बट मोस्ट कन्वीनियंटली मुझे 70 लगा। ट्रांसवर्स फ्रेमिंग आर द स्टीफनर्स रन अलोंग द ब्रेथ ऑफ द शिप, ये आपको एक हो गया आपका लेंथ के वजह से लॉन्गिट्यूडिनल, एक हो गया ब्रेथ के लिए, वो हो गया ट्रांसवर्स, ठीक है। रेजिस्ट ये सेम, ये आपका यूज हो गया, क्यों ये आपका मतलब मेन एडवांटेज हो गया, यूज या फिर एडवांटेज भी कह सकते हैं आप उसको, ठीक है। रेजिस्ट हाइड्रोस्टैटिक और लोकल लोडिंग सच एज बाव एंड इंजिन रूम एरिया कार्गो होल्ड ऑफ बल्क कैरियर, ठीक है। एब्जॉर्ब द वाइब्रेशन इंजिन रूम ऑफ और एकोमोडेशन, ये आपका एडवांटेज हो गया। अभी हम लोग फोटो पे देख लेते हैं व्हाट इज ट्रांसवर्स। ये देखिए लॉन्गिट्यूडिनल तो आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत इजी है। ट्रांसवर्स पे देखिए दीज आर कॉल्ड, देखिए ब्लैक इधर से इधर, दीज आर कॉल्ड द, ये देखिए सॉरी ये एक्चुअली जॉइंट किया हुआ है, दीज आर कॉल्ड एक्चुअली ट्रांसवर्स फ्रेमिंग, ठीक है, और ट्रांसफर स्टीफनर, क्योंकि ये जहाज का ब्रेथ हो गया सेम, ये लेंथ के साइड, ये इधर लेंथ चला गया आपका, ओके, इधर ब्रेथ, नाउ जो ब्रेथ के बराबर चलता है दीज आर कॉल्ड ट्रांसफर्स फ्रेमिंग, ठीक है। आपको इधर मिल जाएगा बहुत सारे ब्लैक, इधर भी देखिए दिया हुआ है, दीज आर कॉल्ड ट्रांसफर्स फ्रेमिंग, आपको समझ में आ गया होगा।
अभी क्या ट्रांसवर्स फ्रेमिंग है और क्या लॉन्गिट्यूडिनल फ्रेमिंग है. ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कंबाइंड फ्रेमिंग. कंबाइंड फ्रेमिंग में आपको एक आधा पॉइंट थोड़ा याद रखिए. एज यू नो अ प्योरली लॉन्गिट्यूडिनल फ्रेम्ड शिप इज वेरी स्ट्रांग इन द लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन एंड अ ट्रांसवर्सली फ्रेम्ड शिप हैज ट्रिमेंडस ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ. मतलब दोनों अपने अपने जगह बहुत शक्तिशाली है. ठीक है, अगर प्योरली लॉन्गिट्यूडिनल होगा तो उसको बहुत लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेंथ मिल जाएगा, अगर प्योरली ट्रांसवर्स होगा तो उसको बहुत ट्रांसवर्स फ्रेमिंग मिल जाएगा. द कंबाइंड फ्रेमिंग शिप्स हैव द एडवांटेज ऑफ बोथ लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स फ्रेमिंग सिस्टम. मतलब आपको क्यों अलग अलग से दो दो बना के दोनों को अलग करना है, आप दोनों को मिक्स कर दीजिए तो आपको ट्रांसवर्स फ्रेमिंग का भी मतलब ताकत मिल जाएगा, लॉन्गिट्यूडिनल का भी मिल जाएगा. तो इसीलिए हम लोग ये दोनों को ऐड करके एक्चुअली हम लोग कंबाइंड फ्रेमिंग बनाते हैं. ओके, इन दिस टाइप ऑफ फ्रेमिंग सिस्टम अंडर द डेक्स एंड ऑन बॉटम प्लेटिंग द वेसल इज लॉन्गिट्यूडिनली फ्रेम्ड. ठीक है, साइड प्लेटिंग इज ट्रांसवर्सली फ्रेम. मतलब इसको बोला है कि कौन सा जगह पे हम लोग क्या क्या फ्रेमिंग, लॉन्गिट्यूडिनल फ्रेम कहाँ यूज कर सकते हैं और ट्रांसवर्स फ्रेमिंग हम लोग कहाँ यूज करते हैं. साइड प्लेटिंग जो है वो ट्रांसवर्सली यूज होता है और अंडर द डेक्स और बॉटम प्लेटिंग दैट इज द लॉन्गिट्यूडिनल फ्रेम्ड. ओके, कंबाइंड फ्रेमिंग आपको समझ में आ गया होगा. मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टिफनर्स. मैं आपको बोल दिया कि स्टिफनर्स क्या है. ठीक है, नाउ हाउ फ्रेम्स आर नंबर्ड. ठीक है, कैसे, ये बहुत सारा सर्वेयर पूछता है कि फ्रेम नंबर कैसे पूछते हैं. ठीक है, पहला देखिए, ऑल फ्रेम्स फॉरवर्ड ऑफ फॉरवर्ड परपेंडिकुलर आर आइडेंटिफाइड बाई कैपिटल लेटर स्टार्ट विथ अल्फा. ओके, ठीक है, जो फॉरवर्ड ऑफ फॉरवर्ड परपेंडिकुलर आइडेंटिफाई. ठीक है, पहले देखिए, सपोज ये आपका जहाज का फॉरवर्ड है, ये वाला फॉरवर्ड है. ठीक है, और ये आपका आफ्ट हो गया. ओके, तो ये प्रोपेलर लगा दीजिए इधर, कोई बात नहीं. ओके, नाउ सपोज दिस इज माय फॉरवर्ड परपेंडिकुलर, दिस वन. ओके, दिस इज माय वाटर लाइन. एनी वन, you can take basically this is the water line here, this is my forward perpendicular. Okay, naam de deta hai isko forward perpendicular. theek hai, to dekhiye idhar se alpha se chalu ho raha hai, matlab forward, ye aapka forward ho gaya of forward perpendicular. theek hai, forward of forward perpendicular framing agar rahega to usko alpha, bravo, charlie, delta, delta is our last framing here in this picture. तो कैसे नाम होगा, अल्फा ब्रावो चार्ली से इधर से इंक्रीज होगा फॉरवर्ड ऑफ फॉरवर्ड परपेंडिकुलर. ओके, नेक्स्ट, फ्रेम आफ्ट ऑफ द आफ्टर परपेंडिकुलर स्टार्ट विथ अल्फा अल्फा. ठीक है, इसको देख लीजिए. नाउ दिस इज सपोज माय आफ्टर परपेंडिकुलर. ठीक है, ये हो गया आपका, दिस इज माय आफ्टर परपेंडिकुलर. ठीक है, आफ्ट, तो मेरा आफ्ट कौन सा और आफ्ट कौन सा होगा, दिस इज माय आफ्ट ऑफ आफ्टर परपेंडिकुलर. ठीक है, इसमें कैसे नाम होगा, अल्फा अल्फा, ब्रावो ब्रावो, चार्ली चार्ली, डेल्टा डेल्टा. ठीक है, तो हेयर डेल्टा डेल्टा इज आवर लास्ट फ्रेमिंग हेयर. ओके, ऑन दिस पिक्चर, तो इधर अल्फा ब्रावो चार्ली डेल्टा और इधर अल्फा डबल अल्फा डबल ब्रावो डबल चार्ली डबल डेल्टा, ऐसे नाम होगा. अभी बीच का कैसे नंबर होगा, तो ये दोनों हो गया, फॉरवर्ड परपेंडिकुलर का फॉरवर्ड कैसे होगा, आफ्टर परपेंडिकुलर का आफ्ट कैसे नंबरिंग होगा, आपको मालूम हो गया. नो, बीच में कैसे नंबर होगा, फॉरवर्ड परपेंडिकुलर इज आइडेंटिफाइड बाय जीरो, न्यूमेरल जीरो. ठीक है, मतलब ये अगर फॉरवर्ड परपेंडिकुलर है, देखिए इसको जीरो नाम दिया गया है. ठीक है, ये अगर जो मेरा फ्रेम्स है ये इसको नाम देगा जीरो. ओके, बाकी इधर तो अल्फा, ओके इधर अल्फा जीरो. ठीक है, देन फ्रेम्स बिटवीन द फॉरवर्ड एंड आफ्टर परपेंडिकुलर आइडेंटिफाइड बाई जीरो वन टू थ्री, ऐसे मतलब चलता रहेगा. ठीक है, ये मेरा आफ्टर परपेंडिकुलर ये हो गया. ओके, नाउ देखिए, जीरो माई फर्स्ट फ्रेम और सेकेंड, दिस इज माई फोर्थ, मतलब आफ्टर परपेंडिकुलर दिस इज माई नंबर फोर, मतलब इसके बीच में वन टू थ्री फोर कैसे करके है, तो ये एक फ्रेम हो गया एट नंबर, मतलब जीरो वन टू थ्री फोर, ऐसे ऐसे मेरा फ्रेमिंग नंबर चलता रहेगा इसके बीच में. जैसे इधर सपोज ये मेरा 120th फ्रेम है, बहुत सारा फ्रेम है इसके अंदर, तो ये मेरा 120th फ्रेम होगा, वो किधर होगा, आफ्टर परपेंडिकुलर का फॉरवर्ड पे. ठीक है,
तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए और एक बार मैं इजीली बोल देता हूँ, फॉरवर्ड ऑफ फॉरवर्ड परपेंडिकुलर अल्फा ब्रावो चार्ली डेल्टा, और फॉरवर्ड परपेंडिकुलर का नंबरिंग होगा 0, ठीक है। देन ठीक है, मैं एक बार क्लियर करके आपको और इजीली समझा देता हूँ। ओके देखिए, दिस इज माई फॉरवर्ड परपेंडिकुलर, इसको हम ऑलवेज 0 नंबरिंग होगा, ठीक है। फॉरवर्ड ऑफ फॉरवर्ड परपेंडिकुलर अल्फा ब्रावो चार्ली डेल्टा ऐसे नाम होगा। आफ्टर परपेंडिकुलर का आफ्टर साइड डबल अल्फा डबल ब्रावो डबल चार्ली डबल डेल्टा ऐसे नाम होगा। तो बीच में मतलब फॉरवर्ड फॉरवर्ड और आफ्टर का बीच में कैसे नाम होगा, फॉरवर्ड को तो आप नाम दे दिए 0, उसके बाद में न्यूमेरल 1 2 3 4 ऐसे चलता रहेगा जितना जाता है आफ्टर परपेंडिकुलर तक। ओके तो बाकी सब पॉइंट ईच फ्रेम ऑफ द आफ्टर परपेंडिकुलर विल बी हायर नंबर, मतलब जो पीछे के साइड और ज़्यादा बढ़ता रहेगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा अभी फ्रेमिंग सिस्टम, ये सब में ध्यान मत दीजिए, ये एक्चुअली कंपार्टमेंट को कैसे नाम देता है इस पर आप ध्यान मत दीजिए अभी, अभी बस फ्रेमिंग पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो आपको फ्रेमिंग का कैसे नंबरिंग होगा आपको मालूम चल गया होगा अभी तक इजीली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज वेब फ्रेम। ओके अभी जो मैंने आपको बोला था एक जगह कि वेब फ्रेम क्या है, जहां पर वो जॉइनिंग के लिए यूज किया है ट्रांसवर्स वेब टर्म, तो वेब फ्रेम का क्या है। इन शिप बिल्डिंग एन एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग फ्रेम कंपोज्ड ऑफ अ फ्रेम बार एंड वेब प्लेट स्टीफेंड एट द बैक एज ऑफ द एंगल बार्स। ये मैंने क्यों रखा, क्योंकि ये दोनों आप अगर पूरा भी याद नहीं रखेंगे कोई बात नहीं, ये दोनों के याद रखें कि एक वेव फ्रेम कंसिस्ट होता है ये दोनों, मतलब वेव फ्रेम इज इक्वल टू फ्रेम बार प्लस वेब प्लेट, कहाँ यूज होता है एट द बैक एज बाय द एंगल बार्स, ठीक है। फोटो पे देख लीजिए, दिस इज एक्चुअली दो आप देखे होंगे अगर आप DB में घुसे होंगे या फिर बाहर भी कंस्ट्रक्शन पे डाइडो फाइडो पर देखे होंगे, तो दीज आर नेम्ड एज वेब फ्रेम। ओके आपको ये थोड़ा रॉड थोड़ा बाहर रहता है ऐसा दिखता है, तो दीज आर नेम्ड एज वेब फ्रेम। ओके ये भी आपको समझ में आ गया होगा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। वेयर यू विल गेट फ्रेम नंबर और इन्फॉर्मेशन, मतलब आपका फ्रेम का इन्फॉर्मेशन या फिर आपका कौन सा फ्रेम डैमेज हो गया है वो आप कैसे इन्फॉर्मेशन मिलेगा जहाज का कौन सा जगह से। सेल एक्सपेंशन प्लान इंडिकेट द सेवरल फ्रेम नंबर ऑन द लेंथ ऑफ द बेस लाइन, ठीक है। ये मैंने पूरा एक टर्म यूज किया हूँ, बाकी आप बोल सकते हैं ओनली सेल एक्सपेंशन प्लान से मुझे फ्रेम का इन्फॉर्मेशन और नंबरिंग मिल जाएगा, ठीक है। ओके फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही था, बाकी मैं कंस्ट्रक्शन धीरे धीरे अभी कवर करना चालू करूंगा। आई मुझे लगता है कि होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा ही होगा और थोड़ा हेल्प करेगा। थैंक यू गाइस। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।